ठीक है भैया। सूबे के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में जीएनएम नर्सिंग की छात्राएं अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि इन लोगों को पीएमसीएच में ही प्रशिक्षण देने के लिए नामांकन लिया गया था, लेकिन हार्विन है वैशाली जिले के राजा पाकड़ सदर अस्पताल में प्रशिक्षण लेने के लिए भेजा जा रहा है। पीएमसीएच प्रशासन के द्वारा जीएनएम नर्सिंग छात्राओं को बताया जा रहा है कि हॉस्टल को तोड़ा जाएगा, उसके बाद यहाँ पर रहने की कोई सुविधा नहीं होने की वजह से इन्हें राजा पाकड़ सदर अस्पताल भेजा जा रहा है। छात्राओं की मांग है कि हम पीएमसीएच में प्रशिक्षण के लिए नामांकन लिए हैं तो राजा पाकड़ क्यों जाए, मुझे पीएमसीएच में ही पटना के अन्य जगहों पर रहने की वैकल्पिक व्यवस्था पीएमसीएच प्रशासन के द्वारा किया जाए। जीएनएम नर्सिंग छात्राओं की प्रिंसिपल कुमारी वीना ने झाड़ा पल्ला। उन्होंने कहा कि इसके लिए सुपरिटेंडेंट जिम्मेवार होंगे, यदि सरकार का आदेश है तो मानना ही पड़ेगा। छात्राओं को पीएमसीएच में ही प्रशिक्षण देने की चिट्ठी में भी लिखा हुआ है। छात्राओं की प्रदर्शन पर प्रिंसिपल कुमारी वीना बताती है कि छात्राओं को सुपरिटेंडेंट से बात करनी चाहिए, इस तरह से प्रदर्शन नहीं करनी चाहिए। डीएनटी न्यूज के माध्यम से अब आप पल पल की खबरों से रहेंगे अपडेट। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर ले और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर करें।